क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ? किस उपलक्ष्य में? हमारे बाबा जी का बर्थडे है, सबको बाबा हरदेव सिंह जी महाराज। तो वहाँ से कोई आदेश आया है क्या? वो है, हाँ जी आई। हमारा सतगुरु हमारे को कह रहे हैं गंदगी चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों हानिकारक है। इसलिए आज सतगुरु अपने बर्थडे पे हमको ये गिफ्ट दिया है कि संसार की भी सफाई करनी है, सब जगह की सफाई करनी है, अस्पतालों की, रेलवे स्टेशनों की, सब जगह की साफ सफाई करनी है। स्वच्छ अभियान आज हमारे सतगुरु ने हमको सिखाया। तो आप देख रहे हैं संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के वॉलेंटियर कितने मेहनती और तन मन धन से लगे हुए हैं। आगरा ही नहीं, देश के 400 शहरों में करीब 1166 सरकारी अस्पतालों में ये अभियान चलाया जा रहा है, वृक्षारोपण और सफाई अभियान। तो ये सदगुरु बाबा जी की सिखलाई है। संतों को आशीर्वाद मिलेगा इससे, और हमें इस जन जागरण में ये मिलेगा कि हमें अपनी अंदर की सफाई करनी चाहिए, बाहर की सफाई करनी चाहिए। दूसरा अंदर का हो चाहे बाहर का हो, बाबा जी का ये कहना हमें सफाई करनी चाहिए। जय। अंदर ये है नहीं है, और ये तरफ तो आज 23 फरवरी को संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से सफाई अभियान चलाया जा रहा है एस मेडिकल कॉलेज पर। यहाँ सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का जन्मदिन है, उसमें वहाँ के वॉलेंटियर आप देख रहे हैं सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर सफाई अभियान चला रहा है, और वृक्षारोपण भी किया जाएगा। अभी अभी यहाँ थोड़ी देर में यहाँ की जोनल इंचार्ज माता चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से ये जो हो रहा है उसके बारे में आप माता जी बताएंगे। यहाँ जो माता जी हमारे गुरु जी बाबा हरदेव सिंह जी का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में संत दिल से हृदय से तान मन धन से सेवा कर रहे हैं। अस्पतालों को, बड़े अस्पताल में भी सारी संगत पहुंची हुई है, वहाँ भी 4000 बंदा पहुंचा हुआ है। इधर भी सारा ये तो सुंदरानी हॉस्पिटल ही अपना, इसलिए इनको भी खूब अच्छी तरह चमका रहे हैं श्रद्धा से, दिल से। ये नहीं कि हम ये अस्पताल आगरा में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में ये 1200 हॉस्पिटलों में सेवाएं चल रही हैं, और स्टेशनों पे, अस्पतालों में और नदियों में, नालियों में भी सफाइयाँ हो रही हैं। पूरे भारतवर्ष में आज का दिन सारा निरंकारी मिशन सेवा में जुटा हुआ, क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, हमारा भी कर्तव्य है देश के लिए। ये सब बातें भक्ति में आती हैं, हम हर समय देश के लिए भी हाजिर रहते हैं। कोई आपदा, कोई गलत, कोई गड़बड़ हो, हमारा मिशन सबसे आगे होता है, सेवाएं अपनी पूरी देता है। गुजरात में 170 क्वार्टर बाबा जी ने जब तूफान आया था बना के दिया निरंकारी मिशन ने। अभी श्रीनगर तूफान आया था, बाबा जी ने ट्रक दवाइयों के और टीमें डॉक्टरों की भेज दी थी। हर जगह ब्लड डोनेशन हर साल पूरे भारतवर्ष में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये होते हैं। सबसे ब्लड डोनेट करने में हमारा मिशन फर्स्ट नंबर पे है। अमेरिका वालों ने अवार्ड दिया था बाबा जी को। आज गवर्नमेंट भी, दिल्ली की भी मानती है कि निरंकारी मिशन सेवा में ये गवर्नमेंट ने तो स्वच्छता आज शुरू की है। हम 25-30 साल से देश को स्वच्छ रखते आ रहे हैं। ये तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम देश के नागरिक भी हैं, इसलिए ये सब बातें भक्ति में आती हैं। ये हमारे मिशन की सिखलाई है, तन मन धन से हर एक की सेवा के लिए मिशन खड़ा रहता है। धन्यवाद। मतलब जैसे उत्तर प्रदेश सरकार है या भारत, जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।